एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। और आज का दिन स्टार्ट हो चुका है एंड टुडे इज फ्राइडे। आज रथ सप्तमी है तो आज हम लोग नॉनवेज नहीं खाएंगे, वी गोइंग टू मेक वेज ओनली। और आज नैवेद्य बनेगा, हम लोग जाएंगे गणपति बापा के मंदिर जो यहाँ पे बेरार स्टेशन के पास है, दगड़ू शेठ गणपति जो पूना में है, सेम सिमिलर वैसा ही गणपति बापा का मूर्ति यहाँ पे भी है बेरार में स्टेशन के पास। एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल मूर्ति, बापा की जो मूर्ति बनाई बहुत सुंदर है और एकदम मेन रोड से विजिबल होता है। तो मैं आपको भी शाम को लेके जाऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग एंड तक देखना एंड आई एम श्योर आप भी बापा का दर्शन जरूर लोगे। आप देखोगे कि गणपति बापा कितने सुंदर दिखते हैं। मैं ऑलरेडी इसके पहले एक बार देख चुकी हूँ कि उसके बाजू में ही राशन कार्ड का ऑफिस है, तो मैं और सुशांत ऑलरेडी 15-20 दिन पहले वहाँ पे गए थे राशन कार्ड का काम करने के लिए। सिंस वी हैव कम टू दिस हाउस, हम लोग को सब लीगल प्रोसेस डॉक्यूमेंटेशन चेंजेस करना है, तो उस काम की वजह से हम लोग गए थे। तो वहीं पे उसके बाजू में साई बाबा का मंदिर है, उसके पीछे ही गणपति बापा का मंदिर है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मंदिर। तो आज मम्मी, मैं, परू, बंटी हम लोग सब मिलके जाने वाले हैं बापा के दर्शन करने के लिए। मैं आप लोगों को भी लेके चलूँगी, आप लोग भी दर्शन करना बापा का। एंड यस, द डे हैज स्टार्टेड और 9:30 को आज सानू का लॉग इन है। थोड़ा जल्दी लॉग इन है क्योंकि आज कुछ तो शिवाजी जयंती ऐसा कुछ है, तो उनका कुछ एक्टिविटी है बच्चों का, तो आज 10:30 के बजाय 9:30 को लॉग इन करने बोला है। तो इट इज़ 9:00 राइट नाउ, तभी मैं जा रही हूँ उसको उठाने। वो आराम से अपने पप्पा के साथ एसी लगा के सोई है, तो बिल्कुल भी उठाने का तो मन नहीं कर रहा है, बट ये सभी लॉग इन करना है तो मैं उसको उठाऊँगी, फट से फ्रेश कराऊँगी, रेडी करूँगी और फिर उसको लॉग इन कराऊँगी। और कल पता नहीं यहाँ पे इतना अच्छा क्लाइमेट था ना, शाम के 7-7:30 बजे से इतना हवा चल रहा था, बहुत अच्छा हवा, ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, और अचानक से 9:15-9:30 के बीच में बारिश होने लग गई। एंड वी वर लाइक कि पता नहीं नीचे जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज कैंसिल होता है कि नहीं, बट 10 बजे तक बारिश पूरी तरह से रुक गया था। तो सुशांत और मम्मी तो नहीं आए थे बिकॉज थोड़ा सा गीला था नीचे, लेकिन सानू तो सुन ही नहीं रही थी। तो फाइनली मैं, सानू और अदिति जो बाजू वाली, उसको लेके हम लोग तीनों जन मिल के नीचे गए। एंड ट्रस्ट मी, हम लोग जब से यहाँ पर आए ना, कल का नाइट वॉज द बेस्ट नाइट, बिकॉज नीचे इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, मुझे ऊपर आने का मन ही नहीं कर रहा था। मैं बस आराम से टहल टहल के पूरा राउंड लगा रही थी, सानू खेल रही थी और इतनी अच्छी हवा आ रही थी। मैंने ऊपर आके मम्मी को भी यही बोला कि अरे आप लोग ने मिस कर दिया, आज आप लोग को आना चाहिए था, बिकॉज नीचे इतना ऐसे लग रहा था कोई समुंदर किनारे, दरिया किनारे हम लोग बैठे, जैसे जूह चौपाटी वगैरह में आप बैठते और एक अच्छी सी वो हवा फ्लो होती है तो एकदम अच्छा लगता ना, इतना अच्छा लग रहा था। और मच्छर भी कम काट रहे थे, इतना हवा फ्लो हो रहा था कि मच्छर भी नहीं काट रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया हम लोग ने। पता नहीं आप लोग यहाँ पे बारिश हुई कि नहीं, लेकिन बहुत जगह पे बारिश हो रही है, इसके लिए क्लाइमेट और ठंडा हो चुका है। अभी आई थिंक 20 या 22 डिग्रीज पे आ गया है। तो यस, अभी भी देखिए सुबह का टाइम है, इट्स 9:00 राइट नाउ, बट बिल्कुल भी गर्म नहीं हो रहा है, सन ऑलरेडी आ चुका है, बट फिर भी अच्छा ठंडा लग रहा है एंड सच में बहुत फ्रेश फील हो रहा है। सो यस, द व्लॉग हैज स्टार्टेड, द डे हैज स्टार्टेड, तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए एंड तक टू एन्जॉय ऑल द फन, टू वॉच ऑल द फन व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। तभी मैं क्विकली अंदर जाती हूँ, सानू को फ्रेश कराती हूँ और थोड़ी देर में आपको वापस मिलती हूँ। एंड पीपल हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड बी अ पार्ट ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सानू देखिए बरोबर टाइम पे रेडी हो चुकी है, फ्रेश हो चुकी है और उसकी स्माइल तो इतनी अच्छी लगती है ना, वो हंसते हुए मुझे बहुत पसंद है, रोती है तो बहुत मुझे इरिटेट होता है, बट सी अच्छे से रेडी हो चुकी है और बस अभी 5 मिनट्स बचा है, 9:25 हो गया, अभी हम लोग लॉग इन करेंगे। सब सेट है, सानू का यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स और उसका स्पीकर को भी मैंने ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रख दिया ताकि अच्छे से उसको क्लियर आवाज़ सुनाई दे आज का जो भी उनका एक्टिविटी होने वाला है। और यहाँ पे ये देखिए सुशांत ने दोनों सूटकेस अपना निकाल दिया है और अभी वो धीरे धीरे इसमें पैकिंग कर रहा है क्योंकि अभी उसको जल्दी फ्लाई करना है, कभी भी उसका टिकट आ सकता है, रेडीनेस आ सकता है कि बस अभी तुमको ये डेट पे फ्लाई करना है, तो वो अभी से ही पूरा तैयारी में लग गया है धीरे धीरे। परसों हम लोग डीमार्ट भी गए थे और सुशांत का सारा सामान लेकर आए जो उसको कैरी करना है, लेके जाना है, तो वो सब हम लोग लेकर आए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे उसको टाइम मिल रहा है वो अपना पैकिंग करते जा रहा है। और सुशांत ने नया लैपटॉप परचेज किया है, उसका जूना वाला लैपटॉप बहुत पहले का था तो सिंह जूना हो चुका था और उसको चेंज भी करना था, तो सुशांत ने नया लैपटॉप परचेज किया। मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी एक बार सुशांत उठ जाए, क्योंकि मुझे इतना डिटेल नहीं है वो लैपटॉप के बारे में, उसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या प्लस पॉइंट है, तो लेट हिम गेट अप, लेट हिम गेट फ्रेश, इसका लॉग इन हो जाए, उसके बाद आराम से मैं सुशांत को ही बोलती हूँ आपको उसका लैपटॉप भी दिखाए और उसके बारे में थोड़ी आपको डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन भी दे।
जब आपके पास बहुत सारा मेनू होता है बनाने के लिए, तब समझ में नहीं आता है काम कहाँ से और कैसे शुरू करूँ। अभी मुझे बनाना है खीर, पालक सोयाबीन की भाजी, चने की दाल, दूधी की ग्रेवी वाली भाजी बनानी है, दाल, राइस, चपाती बनाना है, तो समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा कि जब ज़्यादा वैरायटी होता है तो यू गेट कन्फ्यूज फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड व्हाट टू स्टार्ट। अभी मैं किचन में आ गई हूँ, अभी एक एक करके मैं सब चीज़ लाइंड अप करके फटाफट खाना बना लेती हूँ। इट्स ऑलरेडी 10:10 राइट नाउ, और अभी स्टार्ट करते खाना बनाने के, तब जाके 12 बजे तक खाना, 12:15 बजे तक खाना बन जाएगा। यही फायदा है, ये देखिए, एक में मैंने पालक की भाजी का तैयारी कर रही हूँ, इसमें खीर बन रहा है, और ये वाले इस पे चने की दाल दूध की तैयारी है, तो एक साथ मेरा तीनों बन रहा है। बस मुझे ध्यान रखना है कि मैं स्टेप बाई स्टेप बराबर सब चीज करूँ, और स्पेशली मुझे ध्यान ये रखना है कि बीच में खीर है तो इसमें बिल्कुल भी मसाला ना गिर जाए, तो क्योंकि दूध खराब हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको संभाल के बना रही हूँ। तो मसाला मेरा रेडी हो चुका है, अभी मुझको सिर्फ भाजी डालना है, और ड्राई फ्रूट भी मैंने सब रेडी करके रख दिया है। एक बार खीर अच्छे से बॉईल हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, फिर मैं इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर। इस बार मैं कंडेंस मिल्क नहीं डाल रहा हूँ, मिल्क पाउडर डाल के बना रही हूँ, क्योंकि मिल्क पाउडर डालने से भी आपकी खीर बहुत अच्छी बनती है, कभी आप लोग ट्राई करके देखना खीर। ये अभी मैंने 1 लीटर दूध लिया है, इसमें मैं 3 से 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर लूँगी, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसको डाइल्यूट करके वो इसमें ऐड करूँगी, तो इसको एक अच्छा सा थिकनेस और एक अच्छी सी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, और एक बहुत अच्छा टेस्ट आता है, टेक्सचर आता है, तो आप लोग भी कभी ज़रूर ट्राई करना मिल्क पाउडर डाल के। आई वॉज अज्यूमिंग के 12:15 तक मेरा लंच रेडी हो जाएगा, बट 12:30 हो गया। एनी वेज 15 मिनट आगे पीछे तो चलता है, और आज ना निशु का फुल ऑन पोपट हो चुका है। निशु फ्राइडे को, फ्राइडे संडे और वेनसडे को हमेशा जल्दी उठते ये सोच के कि नॉनवेज बनाओगा, फिश बनाओगा, तो आज भी एज यूजुअल फ्राइडे है, तो ही थॉट के मस्त फिश लाया होगा और बनाया होगा, तो 11:30 निशु उठ के आ गए। अदरवाइज वेज डे में वो 12 बजे आते, नॉनवेज के दिन पे 11:30 आते, तो ही डिड नॉट न्यू कि आज रत्ता सप्तमी है, तो आज नॉनवेज नहीं बनेगा। वो एकदम अपने दिमाग में वही लेकर आए थे कि आज नॉनवेज मिलेगा, जब किचन में आके पूरा वेज देखा तो इतना उनका चेहरा उतर गया है ना निशु। अभी संडे तो वापस बनेगा नॉनवेज, बट वो 2 दिन भी कंट्रोल नहीं कर सकते, उनको तो डेली नॉनवेज तो स्टिल ही कैन एंजॉय। और जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैं सुशांत के रूम में हूँ, और सुशांत पूरी तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि उसका रेडीनेस वो जैसे मैंने आपको सुबह बताया था दे चुका है, तो कभी भी उसका फ्लाइट का टिकट आ सकता है, ही हैज़ टू फ्लाई, तो इसलिए वो धीरे धीरे अपना जो भी सामान हम लोग शॉपिंग करके लेकर आए थे यहाँ से वहाँ से, तो वो अभी सब रेडी करके रख रहा है, एंड गेटिंग थिंग्स डन। Soon he is going to fly, कभी भी उसका टिकट आ सकता है, क्योंकि उसने लोकेशन ट्रेस किया उसके शिप का, जो उसको दिखाता है उसके मोबाइल पे, तो उसका आई थिंक ये वीक में ही कभी भी आ सकता है, नो आइडिया। सो पूरी तैयारी चल रही है उसकी, और कैसा फील हो रहा है जाने के लिए? As always, bit nervous, bit excited, something new going to happen, adventurous, so getting ready. सुशांत इतना मेंटली प्रिपेयर्ड है ना, क्योंकि उसको पहले से जब उसने ये लाइन ज्वाइन करने का सोचा था, जो उसका पैशन डेडिकेशन था, तो ही न्यू कि मुझे फैमिली से दूर रहना पड़ेगा, बहुत सारे फेस्टिवल मुझे मिस आउट करना पड़ेगा, बहुत सारे चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, बट उसका जो पैशन था मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने का, वो पैशन अभी भी उसके अंदर वैसा ही है। इसके लिए वो कभी भी जाते वक्त या वहाँ से जो वो 5-6 महीना निकालता है, वो उसका मोटिवेशन ही उसको इतना अलाइव रखता है कि येस आई हैव टू डू इट। इसलिए वो बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही मेंटली प्रिपेयर्ड, ही इज वेरी स्ट्रांग, ही इज नॉट अ इमोशनल पर्सन के कोई भी चीज को वो अपने ऊपर हावी होने दे, ही इज वेरी मेंटली स्ट्रांग, है ना बंटी? यस मैम, नाउ इट्स ऑलमोस्ट 10 इयर्स, जस्ट शो यू वन सरप्राइज, 10 साल हो गए बंटी को, 10 ईयर अवार्ड एज यू कैन सी रिसीव फ्रॉम माय कंपनी, पूरा 10 साल उसको हो गया BW ज्वाइन करके, तो उसने जो लेवल पे ज्वाइन किया था वो लेवल से आगे बढ़ के आज वो बन गया है थर्ड ऑफिसर बन गया है, और उसने ज्वाइन किया था एज अ
एज अ ओएस, अभी मुझे ओएस का मतलब नहीं पता. तो उसने बेसिक लेवल पे ज्वाइन किया था और फिर अपने आप को अपग्रेड करते करते बहुत पढ़ाई करके बहुत मेहनत करके वो थर्ड ऑफिसर पे आ गए. एंड मे गॉड ब्लेस हिम और वो और आगे जाए, सेकंड ऑफिसर बन जाए, फर्स्ट ऑफिसर बन जाए, जल्दी उसकी शादी हो जाए. हम लोग तो वही वेट करें कि जल्दी सुजान की शादी हो जाए, जल्दी उसको. ये हम लोग सोचे थे ये साल में हम लोग लड़की फाइनल कर देंगे, बट अभी भी इट्स स्टिल इन प्रोसेस. लेट्स सी कब उसका डेट लिखा है वो होने का. तो अभी के लिए ये ट्रिप पे भी हो नहीं पाया ना, अभी एक्सपेक्टिंग में भी जब सुशांत जाकर आएगा तब तो एटलीस्ट हम लोग फाइनल कर दे. सानू और सानू इतनी इतने साल तक छोटी थी तो उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि चाचू यानी काका शिप में जाता है तो क्या होता है क्या नहीं. बट अभी जब वो पैकिंग देख रहे है ना तो वो मुझे बार बार आके बोल रहे कि मम्मा मुझे भी शिप में जाना है, मुझे भी शिप में जाना है. तो मैं उसको वही समझा रही हूँ कि हम लोग को शिप में लेने नहीं वाले क्योंकि वहाँ पे चाचू घूमने नहीं जा रहा है, वहाँ पे जॉब के लिए जा रहा है, काम करने जा रहा है. बट उसको अभी तक वो समझ नहीं आ रहा है, वो बार बार वही बोल रही है मैं भी जाऊंगी मैं भी जाऊंगी. चाचू लेके जाने वाले हो? उसको बैग में डाल के लेके जाऊंगा भर के. सानू जब छोटी थी ना तो अभी भी आई थिंक शी वॉज 2 years old जब सुशांत पैकिंग कर रहा था तो वो उसके एम्प्टी सूटकेस में जाके बैठ गई थी, जिसका मेरे पास फोटो भी है. मैं एंड ऑफ द व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी. नाइट ड्रेस में बैठी थी क्योंकि रात के टाइम पे सुशांत पैकिंग कर रहा था. यही रेड वाला सूटकेस था जिसमें सानू जाके बैठ गई थी और निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी कि बाहर आ तो भी नहीं आ रही थी. फिर उसको कैसे जैसे निकाल के सुशांत ने पैकिंग कंप्लीट किया और अभी देखो 5 साल की हो गई है और अभी भी उसके पैकिंग में वही उसको मदद कर रही है. सब चीज उसने देखो बिखेर दिया, नहीं मेस कर रही है पूरा, पूरा मेस कर रही है. और मम्मी ने ना मंदिर देखे कितना अच्छा पूरा फूल से सजा दिया है, क्योंकि मम्मी जब दादर से रिटर्न आ रही थी तो दादर फूल मार्केट से मम्मा इतना सारा फूल लेकर आई है. और कल शाम को आराम से बैठ के मम्मी ने 2 हार तैयार किया. ये एक हार यहाँ पे मंदिर में लगाया और एक हार जो हम लोग शाम को बापा के मंदिर में जाएंगे तो वहाँ जाने के लिए मम्मी ने बनाया. तो मम्मी का पूजा करके हो गया, मम्मी अभी बुक पढ़ रही है और जैसे मम्मी का बुक पढ़ के हो जाएगा फिर हम लोग करेंगे लंच. और आज रथ सप्तमी है इसलिए मम्मी ने देखिए नैवेद्य में तिल का लड्डू रखा है पापा के पास, क्योंकि आज लास्ट दिन है इसीलिए. वैलेंटाइन डे का जो गिफ्ट लेकर आई थी वो वाली कुर्ती मैं रेडी हो चुकी है. देखिए मैंने कुर्ती पहन भी लिया और इतना परफेक्ट इसका फिटिंग हो गया है. और जो ये इयररिंग मैं लेकर आई थी ऐसे ही लेकर आई थी रैंडमली पिंक कलर का, क्योंकि मुझे कलर बहुत पसंद आया था. बट टुडे इट इज जस्ट मैचिंग परफेक्टली, इतना परफेक्ट मैच हो रहा है. सानू भी बोल रही थी मम्मा इयररिंग बहुत अच्छा लग रहा है आपका, एंड सीरियसली इट्स लुकिंग रियली वेरी नाइस. सो आई एम ऑल सेट ऑल रेडी. और हम लोग का दर्शन करके हो गया और बहुत अच्छे से हम लोग का दर्शन हुआ. हम लोग बराबर टाइम पे आए, हम लोग को आरती भी मिला और इतने अच्छे से बापा की आरती हो गई. और मेरे पीछे आप देख सकते हो यहाँ पे जो मामा साइड हो ना दिसत नहीं, बापा को जो नैवेद्य चढ़ाया था उसको बाहर अभी जो प्रसाद बनाया उसमें मिक्स किया है और अभी सबको प्रसाद देंगे. सो वी आर गोइंग टू टेक द प्रसाद ऑल्सो. और बाजू में ये साई बाबा का मंदिर है तो यहाँ से करके फिर हम लोग साई बाबा मंदिर के भी दर्शन करेंगे. एंड द
जो बाबा की मूर्ति है इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल मूर्ति, मतलब इतना, अगर आप पूना नहीं जा सकते हो दगड़ूशेठ गणपति के विजिट के लिए, दर्शन करने के लिए, तो आप यहाँ विरार में आना, स्टेशन के पास में ही है, और बहुत ही सुंदर मूर्ति है, देखने लायक मूर्ति है बाबा की, इतना बाबा सुंदर दिख रहा है ना वो मूर्ति में, फुल अटायर जो बाबा का किया, एंड वेरी प्लेजेंट टू विजिट दिस प्लेस, टू डू कम। तो अभी हम लोग यहाँ से हो गया, पीछे जाएंगे साई बाबा के मंदिर का दर्शन करेंगे और उसके बाद प्रसाद लेंगे और फिर जाएंगे घर पे। लोग नीचे जाकर आए, बैडमिंटन खेल कर आए, और अभी सुशांत अपने लैपटॉप पे कुछ सेटिंग्स कर रहा है। सो यस सुशांत, हाय, अभी मैंने रिसेंटली परचेज किया है ये, दिस इज एसस वीवो बुक एज यू कैन सी, और ये ब्लू कलर का है, कोबाल्ट ब्लू इसका नेम है, ऑफिशियल नेम। तो बेसिकली ये मैंने मेरे ऑफिस वर्क के लिए लिया है, शिप के यूज के लिए लिया है। इट्स वेरी थिन एंड लाइट, ओनली 1.7 kg इन वेट, और बेसिकली ऑल द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यू गेट। मेन थिंग है ये 11th जनरेशन का है, i3 प्रोसेसर, और बैकलिट कीबोर्ड है, वाईफाई 6 है, 8GB रैम है, इनबिल्ट स्टोरेज 256 है, मुझे इनफ है क्योंकि मेरे पास तीन हार्ड ड्राइव है, सो 256GB इज़ इनफ फॉर मी। और अगर आपको ये चेकआउट करना है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अमेजोन से मैंने परचेस किया है। इसका कॉस्ट है अराउंड 44,000, अगर कुछ ऑफर रहेगी तो यू कैन गेट मे बी लेस देन दैट। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। सो ये इतना सब आप सोचे मेरे को बोलने होता ही नहीं, क्योंकि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में इतना कोई आइडिया ही नहीं है, और इतना सब तो मुझे पता ही नहीं, मैं खुद पहली बार सुन रही हूँ जो भी वो बोला उसने। आई एम नॉट द पर्सन टू से एनीथिंग अबाउट दिस, इसलिए मैंने सुशांत को ही बोला कि तू ये अपना नया लैपटॉप दिखा दे, उसमें क्या नए फीचर्स है, टेक्नोलॉजी वो सब दिखा दे। जो पहले का लैपटॉप था हमारा, वो बहुत हैवी वेटेड था, तो वो मेन क्राइटेरिया था सुशांत का कि वो लाइट वेटेड हो, ताकि वो जब फ्लाइट फ्लाइट में ट्रैवल करता है तो ईजी हो, वरना उसका शोल्डर बहुत पेन होता था, तो वो एक प्लस पॉइंट है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो येस, आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, हम आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू गाइज एंजॉयड वॉचिंग टुडेज वीडियो, आप लोग ने बापा का भी दर्शन किया होगा। डू लेट मी नो आपको कैसा लगा बापा का मंदिर, कैसा पसंद आया, नहीं आया, जो भी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो ऑन दिस नोट आई से गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड आई सी यू सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, टेक केयर।